कि मेरी एजुकेशन जरूर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हुई है और हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं और एबीसीडी भी है और छठी क्लास के अंदर है, पहली बार सीखी थी, लेकिन मैंने उन विद्यार्थियों को चुनौती पेश की थी और उन चुनौती को मैंने हर जगह पर है उसको प्रमाणित भी किया है। मैंने मेरे जीवन की जो सबसे पहले शुरुआत की थी वो पटवारी से की थी। सबसे पहले मैं है वो पटवारी लगा था, उसके बाद में है वो ग्राम सेवक लगा था, उसके बाद में थर्ड ग्रेड टीचर था, उसके बाद में सेकंड ग्रेड टीचर था, फिर असिस्टेंट जेलर में आरपीएससी टॉप की थी, फिर है वो स्कूल लेक्चरर था, फिर इसी स्कूल के अंदर, जिस स्कूल के अंदर आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं, इसी स्कूल के अंदर मैंने एक एग्जाम दिया था असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें भी मैं है वो सिलेक्ट हुआ था, और उसके बाद में कॉलेज लेक्चरर भी मैं है वो रहा था, और फिर आरएस 2012 के अंदर 108वीं मेरी है वो मेरिट आई थी, तो उसके मैं वर्तमान में है राजस्थान तहसीलदार सेवा के अंदर हूं, और वहां पर भी मैं एक आपको बात बताऊंगा। देखिए ईश्वर अपने से क्या चाहता है, कब चाहता है कि अपने को जीवन में कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। आरएस के अंदर मेरी 108वीं मेरिट थी और उसके अंदर मेरे को डीएसपी मिल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि मैं है फर्स्ट वेटिंग में रह गया। थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि यार अपन फर्स्ट वेटिंग में रह गए, और उसके जस्ट एक महीने के बाद में है वो आईएएस का एग्जाम था दिसंबर के अंदर। चार पांच दिन दुखी रहा, लेकिन मैंने कैसे ही अपने आप को मैनेज किया, और देखिए दोस्तों मैनेज करने का क्या बेनिफिट मिला कि जो डीएसपी बनना था वो डी आगे से हट गया और मैं एसपी बन गया। बात यह है कि अपन जीवन के अंदर चाहते क्या है, अपन अपने आप को कितना डिवोट कर पाते हैं। तो आज मुझे है वो आईएएस के अंदर 170वीं मेरिट है वो मिली, और मैं जनरल कैटेगरी से है वो बिलोंग करता हूं, तो मुझे आईपीएस मिला। मैं यहां पर रुका नहीं हूं, मैं वापस तैयारी कर रहा हूं, और इस बार मुझे आशा है कि हिंदी माध्यम के अंदर आईएएस में किसी की अभी तक फर्स्ट मेरिट नहीं आई है, और मेरी ये पूरी की तमन्ना है कि कम से कम मैं यहां उस स्थान तक है वो पहुंचूं। कि जीवन आपको सिर्फ कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद में एक बार आदमी को जीवन मिलता है, तो बहुत ही शानदार आप लोगों को है वो जीवन मिला है। इस जीवन को आप एंजॉय कीजिए, कभी भी घमंड मत कीजिए, चाहे आप जीवन में कुछ भी बन जाओ हमेशा बेहतरीन रहिए। और आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि अगले साल जब प्रोग्राम होगा तो आप सब लोग है वो यहाँ पर आने का मौका मिले। थोड़ी सी देर पहले मैं देख रहा था कि मालाएं कम पड़ रही थी, तो अगले साल इतनी संख्या माना कि सब मालाएं कम पड़ जाए, ठीक है, इतनी संख्या में यहाँ पर आना, और तब इनको है वो रियल खुशी होगी इस कोचिंग संस्थान को। पुनः मैं एक बार है इस कोचिंग संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमेशा दिमाग में एक बात ध्यान रखिएगा कि मुझे किसी मैगजीन के कवर पेज पे आना है। मुझे भी जीवन में उसी दिन खुशी हुई कि इस बार जब पीडी के ऊपर सब जगह पर मुझे कवर पेज के ऊपर है वो जगह मिली। ऐसी चीज हमेशा ध्यान रखना कि मुझे क्रॉनिकल पीडी सब जगह कवर पेज पे मिला, और आज क्रॉनिकल पे प्रेम सुख डेलू के नाम से या यूट्यूब के ऊपर अनेक वीडियो चलते हैं, तो मुझे बेहद खुशी होती है। आप भी अपने जीवन में ऐसे टारगेट रखना, और हमेशा युवाओं को है वो प्रेरणा देते रहना। कभी सिलेक्शन होने के बाद में ये मत कहना कि ये एग्जाम बड़ा हार्ड है, हमेशा ये कहना बहुत इजी है, और यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी ये एग्जाम है वो कर सकते हो। एक बार पुनः आप सभी लोगों को है वो मेरा धन्यवाद। क्योंकि धीरता वीरता को हरा देती है और धैर्य शौर्य को परास्त कर देता है।